हाय, मेरा नाम अनवर खान है और मैं अपने जीवन की गवाही देना चाहता हूँ। मैं मसीह में आने से पहले मेरा जीवन बहुत खराब था। मैं, मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माँ, हम चारों की ज़िंदगी खराब हो गई थी। ना हमारे पास रहने के लिए घर था, ना खाने के लिए खाना। मैं और मेरा भाई स्टेशन पर भीख मांगा करते थे और हम छोटी उम्र में गांजा बेचना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, हमको ये आदत लग गई थी। और माँ को ये सब देखा नहीं गया कि मेरे बच्चे बिगड़ रहे, तो माँ ने हमको अनाथ आश्रम में डाला कि ये बोल के कि वहाँ पे तुमको रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना मिलेगा, क्योंकि हमारे पास ये सब चीज़ें थी नहीं। और माँ ने हम दोनों को अनाथ आश्रम में डाला। अनाथ आश्रम से छूटने के बाद हम लोग की ज़िंदगी में कोई इतना खास नहीं था, क्योंकि हमें पैसा कमाने का था, क्योंकि हमारी ज़िंदगी पहले से बहुत खराब ही थी। तो हमने मर्डर करने का प्लान किया, ड्रग्स बेचने का प्लान किया, हम चोरी करते थे, ऐसी बहुत सारी समस्या थे हमारे जीवन में। मगर एक दिन एक व्यक्ति हमारे घर पे आया और हमें सुसमाचार दिया। और मम्मी को सुसमाचार देने के बाद मम्मी चर्च में गई। मगर जिस व्यक्ति ने सुसमाचार दिया था, मैंने उस व्यक्ति को बोला कि आपका जो भी प्रार्थना करते उसका आवाज़ मेरे कान तक नहीं आना चाहिए, नहीं तो मैं आपको मारूंगा। मगर उस व्यक्ति ने कुछ कहा नहीं और प्रार्थना करके चले गए। और मुझे कुछ दिनों के बाद बुखार आने लग गया, मगर वो बुखार ऐसा आता था कि इसके लिए कोई मेडिसिन काम नहीं करती। तो मम्मी ने एक दिन मुझे चर्च लेके गया और उस चर्च में जब गया, जिस व्यक्ति को मैंने कहा था कि मैं मारूंगा, उस व्यक्ति ने मेरा स्वागत किया, मेरा वेलकम किया और मुझे बहुत अचंभा लगा। उस दिन से वो बीमारी फिर मुझे हुई नहीं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता कि उस दिन से लेकर आज तक उसने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। यह सब चीज़ यीशु मसीह के द्वारा हुआ, क्योंकि उसने मेरे जीवन को बदला। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करता कि आज मेरी शादी हो चुकी है, मुझे दो बच्चे, और प्रभु यीशु ने मुझे एक अच्छे बीबी से आशीष किया और एक अच्छे काम उनको दिया। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ।